जी और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसकी सजेशन हमें दी है सचिन ने। और सचिन को मैं ये बोलना चाहूंगी कि जी बिल्कुल आपकी ईमेल्स हमें मिल गई हैं और हम लोगों ने पढ़ भी ली हैं, बस कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है ना इन दिनों में कि इंटरनेट अभी भी काफी ज्यादा स्लो है उस तरीके से। सोशल मीडिया ऐप्स अभी तक नहीं, इंस्टा बहुत स्लो है अभी भी, तो काफी ज्यादा दिक्कत तो आ रही है इंटरनेट यूज करने में। लेकिन खैर अभी काम चलता जा रहा है, तो हम लोग भी आपके साथ वीडियोज जो है वो देखने स्टार्ट हो गए हैं। और जो वीडियो आज सचिन ने हम लोगों को सजेस्ट की है, उसका टाइटल है इमरान खान अरेस्ट एंड द बर्निंग पाकिस्तान, मैसेज वर्सेस द मिलिट्री, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। तो चलिए देखते हैं कि मुजम्मिल सर ने कैसा एनालिसिस किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 70 सालों में किसी की जीएसक्यू के बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इस बार जीएसक्यू के दरवाजे टूट गए और अंदर लोग घुस गए, जो कि सबसे बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस है पाकिस्तान में। पिंडी के अंदर लाहौर में जना साहब का जाती घर, पर्सनल रेजिडेंस, जहां पे कोर कमांडर हाउस है, एक एक ईंट उसकी जला दी गई और वहां पर वीडियोस बनी जो कि सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी। कंटोनमेंट्स पर पूरे मुल्क में अटैक हुए। मियांवाली में एक जहाज खड़ा हुआ था जो कि सिर्फ सिंबॉलिक था, उसको आग लगा दी गई। और ये सब वो मनाजिर हैं जो आज तक पाकिस्तान की आवाम ने ना देखे ना तस्वर किए थे कभी। और हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने एक वीडियो में कहा कि डर्टी हैरी, और कहा कि फैसल नसीर जो कि एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर हैं, उनसे मेरी जान को खतरा है और ये हमारे लोगों को उठवा रहे हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। ISPR ने आगे से जवाब में प्रेस रिलीज की। आगे से जवाब में इमरान खान साहब ने अदालत पेशी से पहले ट्यूजडे की सुबह एक वीडियो बनाई जिसमें बड़ी जारहाना बात की और उन्होंने ये कहा कि आप अबव द लॉ नहीं है, आप होली काओ नहीं है, और इस बंदे का एहतसाब करें, मुझे ना बताइए कि इज्जत क्या होती है इदारे की, मेरी भी इज्जत है और लोगों की भी है, सिर्फ आपकी नहीं है। इसको देखते हुए शदीद एंड रेजिंग किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। और वो पहुंचते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर जो बायोमेट्रिक रूम था उसमें बैठकर अभी हाजिरी लगा रहे थे कि रेंजर्स का दस्ता वहां पर आता है, शीशे तोड़ता है, लॉयर्स को मारता है, इमरान खान साहब को उठाता है और एक साबिक वजीर आजम को कॉलर से ड्रैग करके घसीटते हुए बख्तरबंद गाड़ी में डाल के ले जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पूरे मुल्क में वायलेंट रिएक्शन शुरू होते हैं जिसमें ये सारे वाकयात हुए जो मैंने आपको पहले बताए। और उसके बाद इमरान खान साहब को नैब कस्टडी में ले जाते हैं। और ये केस क्या है? ये केस है जो कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है और अलकादे ट्रस्ट केस इसको कहते हैं, क्योंकि मलिक रियाज साहब के जो पैसे बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़े वो वापस भेजे, और गवर्नमेंट ने वापस भेज के कौमी खजाने में जमा कराने की बजाय मलिक रियाज साहब को वापस कर दिए। बंद लिफाफों में सिग्नेचर लेके कैबिनेट से इमरान खान साहब ने कहा कि ये पैसे उसकी अमानत है, उसको वापस देने हैं, दे दिए, बजाय इसके कौमी खजाने में जमा करवाते नहीं करवाए। और उसके बाद क्या किया कि 450 कनाल जमीन अलकादे ट्रस्ट ने ले ली यूनिवर्सिटी के लिए बहरिया टाउन से एज अ फेवर, क्योंकि पहले आपने फेवर दी, फिर फेवर लेनी भी थी इसलिए। तो ये जमीन जो ली ये सारा करप्शन की अंडर फॉल करता था। और इसके बाद 150 कनाल के हवाले से भी बयानात सामने आते हैं जो कि बनीगाला के अंदर ली गई। तो ये सारी वो जमीन थी जो कि करप्शन की मद में इमरान खान साहब ने कैबिनेट को इन्वॉल्व करके मलिक रियाज को फायदा पहुंचा के हासिल की। केस बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी सामने आई खान साहब की उसने सब खराब कर दिया, क्योंकि जिस तरह कोर्ट की हदूद के अंदर से एक पैरा मिलिट्री फोर्स साबिक वजीर आजम को बगैर रिपीटेड नोटिस जो कि SOP होता है उसके उठाकर ले गई, नैब का अफसर भी मौजूद नहीं था, उससे सारा केस पोलिटिसाइज हो गया, कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, खराब हो गया। मैंने भी इसकी मजम्मत की, हालांकि मेरे खिलाफ PTI की ऑफिशियल पेज से ट्वीट हो रहे हैं कि ये साफी हाइपोक्राइट और दोगला है। लेकिन ये मनाजिर के एक साबिक वजीर आजम को पैरा मिलिट्री फोर्स का सीट के लेके जा रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए। आगे जो हुआ वो बहुत कंडेमेबल है। अब एक आर्ग्यूमेंट ये है कि पूरे मुल्क के अंदर जो वाकयात है इनको आप सपोर्ट करें, क्योंकि ये रेवोल्यूशन है, ये इनकलाब है। ये कैसा इनकलाब है जिसमें स्कूलों को जला रहे हो? ये कैसा इनकलाब है जिसमें एम्बुलेंस से मरीजों को निकाल के उसको आग लगा दी? ये कैसा इनकलाब है जिसमें आपका नजरिया सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा ग्रेट लीडर वापस कर दो? इस वक्त मुल्क में 40 अफराद को मार दिया गया है, आधा मुल्क जल रहा है, लाहौर, कराची, पेशावर, हर जगह आग लगी हुई है, और मुतालिबा लोगों का सिर्फ एक है कि दोबारा से हमारा खान हमें लौटा दो। क्या इसको इनकलाब कहते हैं जिसमें नजरियाती बिल्कुल पस्ती दिखाई देती है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है? कोई नहीं है। आईनी डिमांड है? नहीं है। जुडिशियल डिमांड है? नहीं है। अवाम के राइट्स की डिमांड है? नहीं है। सिर्फ एक डिमांड है, गिव आवर लीडर बैक टू अस। ये उस किस्म का फासिज्म है जो हमने जर्मनी में देखा था जब हिटलर साहब की पार्टी तबाह हो रही थी, रेड आर्मी आ रही थी इन्वेड करने,
जर्मनी को, तो उसने आर्सन का हुक्म दे दिया कि पूरा मुल्क चला दो, क्योंकि नाजी पार्टी नहीं है तो जर्मनी भी नहीं है। खान साहब के फॉलोअर भी यही कहते हैं कि अगर खान साहब नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। तो चलो, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म तो खत्म हुआ ना ऑफिशियली, दिस इज द एंड ऑफ नेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान एंड द रेफरेंस टू मिलिट्री एज वेल। क्योंकि एक इदारे से बड़ा इदारा, एक आदमी क्रिएट हो गया जो सुपर स्टेट है, किस तरह से इस एहतजाज को सपोर्ट करें जिसका मुतालबा सिर्फ यह है कि हमें क्यों सपोर्ट नहीं किया सिस्टम में आके, इसको सपोर्ट करने की कोई जाती बुनियाद नहीं मिलती हमें। इसके अलावा ये सारा, अब आप पूछेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, हुआ इस तरह से कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी 70 साल की कारस्तानियों से कुछ नहीं सीखा एंड दे डिजर्व इट। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बार बार तीसरी कुवतें क्रिएट की, जहाजों में बिठा के एमएनए इसको लेकर आए और आरटीएस बिठाए, इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको ब्लैकमेल किया कि इधर वोट नहीं डालना, वफादारियां तब्दील करो, इसी लाडले को तीन नस्लों तक पाला और आज वही आपकी थाली में छेद कर रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने उसको तमाम नैरेटिव अपना उसको पेश कर दिया फूलों की सेज पे रख के, और उसने उसको इख्तियार कर लिया। वो चोर डाकू वाला 30 साल का नैरेटिव किस बाकी सारे चोर हैं उसने इख्तियार किया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज उसके पास आ गई, ट्विटर फेसबुक यूट्यूब पे उसका राज हो गया, टीवी के ऊपर वो छा गया, तो नैरेटिव उसी का जीतेगा। आपका अपना नैरेटिव हार गया, आपने एक ऐसा जिन पैदा कर लिया जो आपको ही खा गया। उसकी वजह यह है कि 70 साल में आपने कोई सबक नहीं सीखा, रिपीटेडली आपने सियासत को बैलेंस करने के लिए इस तरह के अफराद को क्रिएट किया और अब उसने ब्रेन वॉश करके सारी मैथ को आपके ही खिलाफ जो है ना मास खोल दिया और उसको कोई हाथ लगा नहीं सकता। क्योंकि इस सारा कुछ के होने के बावजूद 2014 का जो धरना था, क्या हुआ था उसमें, शलवारें लटकाई थी सुप्रीम कोर्ट की दीवार के ऊपर, पीटीई पे हमला कर दिया, लेकिन आपने कहा कि अवाम का जो तकद्दस है उसको पामाल ना किया जाए, अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, टीएलपी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तब आपने एंडोर्स किया उसके वॉयलेंस को, इसीलिए आज वो आपके खिलाफ वॉयलेंस कर रहा है। अगर आप ज़हीरुल इस्लाम साहब, अगर आप शुजा पाशा साहब, अगर आप इसके बाद जो जनरल फैज साहब या बाजवा साहब जिसको उसने बड़ा एलियनेट किया हुआ है आज, अगर इन सबके खिलाफ आप कार्रवाई करते तो फिर इस तरह की नासूर जो है, तो फिर इस तरह के जो लोग हैं इनको पैदा करने से बाज आते, लेकिन आपने तो की नहीं कार्रवाई, तो फिर ऐसे लोग आप पे मुसल्लत ही होने थे। उसकी वजह यह है कि आप यू आर प्लेइंग विद फायर, तालिबान की क्रिएशन हो, मुजाहिदीन की क्रिएशन हो, या फिर इसके अलावा टीएलपी की क्रिएशन हो, लश्कर ए तैयबा की क्रिएशन हो, ये सारे वो डीमंस हैं जो आपने क्रिएट किए और उन्होंने आपको ही खाया बाद में, लेकिन सबक नहीं सीखा। तो लास्ट नेल इन द कॉफिन इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिकॉज दे हैव हाईजैक्ड योर ओन नैरेटिव। जो नैरेटिव आपने 30 साल लगाकर बनाया ज़िया के बाद से, उसको सक्सेसफुली एक इंसान ने हाईजैक करके अपनी जो है ना वो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी से आपके ये अगेंस्ट रिवर्स कर दिया, और अब आप बैठ के मुजम्मतें कर रहे हैं और प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं कि हमारे खिलाफ हो गए हैं ये सब। सो यू वर वेटिंग फॉर इट टू हैपन टू यू बिकॉज यू डिस्ट्रॉयड द इंटायर पोलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो मैडनेस सड़कों के ऊपर अभी चल रही है, ये कोई मैस रेवोल्यूशन नहीं है, इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि नजरिए से खोखली है, कोई नजरिया नहीं है। ये करप्शन का केस जेन्युइन था, लेकिन इसको खराब किया जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जिसको मैंने भी कंडम किया, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये कहा जाए कि ये सारी इनकलाबी रेवोल्यूशन है या फिर जीएचक्यू पे हमला वही है जो स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल था फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच इनकलाब आया था, तो नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बेस्ड मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ पर्सनैलिटी कल्ट का फैन क्लब है जो सिर्फ ये कह रहा है कि हमें हमारा जो मनपसंद पर्सनैलिटी है वो टीवी पे वापस चाहिए, और कुछ भी नहीं। अंदर घुस के कोर कमांडर हाउस के फौजियों को क्या कह रहे हैं, आपको कहा था ना खान को हाथ ना लगाना, दैट्स देयर ओनली डिमांड, ऑल डिवाइड ऑफ आइडियोलॉजी एंड रीजन। तो इस तरह की मैसेज जब बाहर निकलती हैं, मैडनेस क्रिएट करती हैं। वो गुस्ताव लीबॉन की किताब है द क्राउड, मैंने पहले भी रेकमेंड की थी, आजकल पढ़िए, बड़ा जबरदस्त कॉन्टेक्स्ट बनेगा इस सारे मामले का। उसमें वो कहता है कि ऑल सिविलाइजेशंस वी नो हैव बीन क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय स्मॉल इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेसी, नेवर बाय पीपल इन मैस, द पावर ऑफ क्राउड्स इज ओनली टू डिस्ट्रॉय। वो कहता है कि जत्थे सिर्फ मुल्कों को, तहजीबों को और कौमों को तबाह करना जानते हैं, बनाना नहीं जानते, वो सिर्फ एक छोटी सी इंटेलेक्चुअल एलीट होती है जो बनाती है। तो ये वो जत्थे हैं जो पूरा मुल्क जला देंगे, लेकिन इसका हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। अगर आप सारा मुल्क चला रहे हैं और जीएसयू पे हमले कर रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि तुम एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे इसीलिए इस बात को सपोर्ट करो क्योंकि वो फौज की तनसीबात पे हमले कर रहे हैं, यही तो तुम चाहते थे, तो जवाब है नहीं। वी डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, हम एक इदारों के बैलेंस को बदलने की बात करते थे, हम सिविलियन सुप्रेमेसी की बात करते थे, आप इमरानियन सुप्रेमेसी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इमरान सुप्रीम है, सिस्टम फारेगा, स्टेट फारेगा, पाकिस्तान फारेगा,
हम कह रहे थे कि सिविलियन की बालादस्ती कायम हो. सो दिस इज वर्ल्ड्स अपार्ट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई वी कांट सपोर्ट इट. और अब हुआ क्या कि पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये अरेस्ट लीगल है, आज सुप्रीम कोर्ट ने खान को बुला के कहा आपको चाय मिलेगी, आपको रोटी खिलाई जाएगी, आपके साथ लोग भेजेंगे, गप्पे मारे, अरेस्ट करें, लेकिन उसी गेस्ट हाउस में जहां आपको अरेस्ट किया हुआ है, और कहा कि मैंने रिहा कर दिया है. रिहाई यही है कि वो वहीं वापस बैठा हुआ जाके, और उसे कहा कि कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाओ, वही कोर्ट जिसमें तुम्हारी गिरफ्तारी को लीगल कहा है. सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलीगल, हाईकोर्ट कह रही है लीगल, और आपस में लड़ रहे हैं बैठ के. किसी को नहीं पता कि ये स्टेट का किस किस्म का मजाक है, ये कैसी बनाना रियासत है कि आपस में कोई बयानात नहीं मिलते. तो ऐन मुमकिन है कि कल इमरान खान की गिरफ्तारी दोबारा हो जाए. अगर नहीं होती तो उसका मतलब यह है कि ये सुपर स्टेट है, स्टेट कांट डू एनीथिंग, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते. तो इससे निकलेगा क्या? निकलेगा कुछ भी नहीं, जीरो सम गेम है. लोग सिर्फ पर्सनैलिटी कल्ट के लिए 40 बंदे मरवा बैठे हैं, और उनको खुद क्या मिला? जीरो, कुछ भी नहीं. तो अब होना यह चाहिए कि इमरान खान साहब इससे सबक सीखें कि अब ये अपीलें छोड़ दें एस्टैब्लिशमेंट से कि मुझे वापस लेकर आओ. अब ज्वाइन करें उन सियासी कुवतों को जिन्होंने पहले मार खा के आपको कहा था कि मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत कर लो, और आपने कहा इसको मुकमुका कहते हैं. अब 150 पर्चे अपने ऊपर हुए हैं, जब वो माफ होंगे तो आप उसको NRO कहेंगे जो उनको मिला था पहले. अब समझ आइए पर्चे किस तरह होते हैं, अब समझ आइए गिरफ्तारियां कैसे होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भिजवा के या वजीर आजम को किस तरह जेलों में डालते हैं. काश समझ आए अब, और आप सियासतदान बन जाएं, आप अपने हाथ से असेंबलियां ना तोड़ें जो मुल्क की तारीख में कभी हुआ ही नहीं पहले, जो आपने करके दिखा दिया. तो इमरान खान साहब की यह हरकत के असेंबलियां डिजॉल्व कर दी, अपने हाथों से तोड़ दी, और दूसरी तरफ से PDM की यह हरकत के 90 रोज में इंतखाब नहीं करवाया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के तबाह कर दिया, इन दोनों ने इस हालात को इस नहज तक पहुंचाया है. और इसका हल ये दोनों निकालें, एस्टैब्लिशमेंट सबक सीखे फाइनली के बस कर दो, इट हैज बीन इनफ, इसके बाद मजीद इस अवाम को एक्सप्लॉयट मत करो, और तीसरी ताकतें पैदा करके इस मुल्क को मत जलवाओ जो पहले ही डिफॉल्ट होने वाला है, 300 रुपए का डॉलर हो गया. तो आप एस्टैब्लिशमेंट सबक सीखे कि इसके बाद हमारा जो कुछ बचा है उसको बचाने के लिए सियासत से निकलना पड़ेगा. इमरान खान सबक सीखे कि पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के सियासतदान बन के डिबेट करके बात सॉल्व करनी है, ना कि सड़कों पे. और PDM सबक सीखे कि चाहे इमरान जीत भी रहा हो तो इलेक्शन करवाना तो हमारी जिम्मेदारी है. ये तीन काम करें, सब ठीक हो जाएगा. थैंक यू भाई. पिछले 5-6 दिनों से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हुआ है कि यहाँ पर रहने वाले खासतौर पर जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि सियासत से उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें ये समझ नहीं लग रही कि भाई पाकिस्तान किस साइड पर जो है जा रहा है. क्योंकि कारोबार की बात करें, बेशक वो IT इंडस्ट्री में आप बात करें, बेशक आप जो है नॉर्मल मार्केट्स की बात करें, कारोबार यहाँ पर बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, और लिटरली लोग जो है ना यहाँ पर इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना. लोगों को समझ ही नहीं आ रही. ये हकीकत है कि क्या नाम लेते हैं, हमारे यहाँ पर जो है लोग वो सिर्फ क्या नाम लेते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए कभी बाहर नहीं निकलते हैं. बहुत सारे वाकयात होते हैं हमारे माशरे में जुल्म व ज़्यादती के, उनके पीछे मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि भाई बाहर निकले हों, बिल बढ़ गया बाहर निकले हों, या क्या नाम लेते हैं आटे की प्राइस ऊपर गई हो तो लोग बाहर निकले हों. लेकिन हाँ, जब किसी पॉलिटिकल लीडर पर इस तरह की कोई बात होती है तो क्या नाम लेते हैं, ये मैंने अपनी जिंदगी में दूसरी बार ये चीज विटनेस की है. इससे पहले जब 2007 में बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ था, तब मैंने देखा था कि तकरीबन 2-3 दिन जो है पूरा मुल्क जिस तरह जलता रहा है, लोगों ने नहीं परवाह की भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिस तरह उस टाइम तबाही फेरी गई थी, उसके बाद ये अब आकर देखने को मिली है. बट आई थिंक ये एक सिचुएशन ऐसी है कि वो कंट्रोल कर ली गई थी सिचुएशन 2-3 दिन के बाद, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पा रही. मैंने लाहौर का इस तरह का कभी हालात नहीं देखे पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मतलब हम लोग यहाँ पर हैं. बट एक चीज में पॉलिटिकल लेवल पर जिस तरह से इसमें डिस्कस की गई, मैं स्टार्टिंग से बात करना चाहूंगी कि अगर जैसे हमारे यहाँ पर डिस्कशंस भी होती है ना, लोगों के जो नैरेटिव है वो क्लियर ही नहीं है. या तो वो एक पार्टी की तरफ है और दूसरा दूसरी पार्टी की तरफ है, और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं मुजम्मिल सर के वो इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करते कि हमें किसी पर्सनैलिटी को सपोर्ट नहीं करना, हमें अपने मुल्क के लिए चीजें करनी है कि हमारी कंट्री के लिए जो बेहतर है. और जो मौजम ने भी बात की कि ये इतनी सोई हुई कौन
कॉम है, मैंने इससे ज्यादा सोई हुई कॉम कभी नहीं देखी, जो अपने लिए कभी बाहर नहीं निकली, जो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बाहर निकलती है, दूसरे लोगों के लिए बाहर निकलती है। सो ये एक मैं कहूंगी कि अलमिया है हमारी कॉम का कि इसको इतना शाऊर ही नहीं है। और दूसरा, जैसे अगर हम लोग गिरफ्तारी की बात करें खान साहब की, तो ऑनेस्टली बोलूं तो मैं मतलब सपोर्ट नहीं करती पीटीआई को। इनफैक्ट मैं, मेरे ख्याल में आज के टाइम में मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, और उसकी रीज़न ये है कि हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं ना, वो सिर्फ एक तरह से एक दूसरे को ड्रैग कर रही हैं। कोई भी जो एक कंट्री का इंटरेस्ट है उसको कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अपनी पावर के लिए और अपनी कुर्सी के लिए सब लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। जिस तरीके से खान साहब की गिरफ्तारी हुई, नो डाउट वो चीज़ ठीक नहीं थी, और उसकी रीज़न ये कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू उनकी जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। क्योंकि इस तरह से तो ये बाकी में वो चीज़ आ जाती है कि लाइक जिसका जो दिल करेगा वो उसको उठा लिया, जिसका जो दिल करेगा उसको गिरफ्तार कर लिया, बजाय एक प्रॉपर सिस्टम के। मैं और दूसरी साइड पर मैं ये भी कहूँगी कि जिस तरीके से इमरान खान जो हैं वो अपने इर्द गिर्द एक लोगों का हिसार बनाकर, यानी कि उनका उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है लोगों का, कि भाई अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाई हुई है कि वो लोगों को आगे कर देते हैं जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जैसे जमान पार्ट में अगर याद हो तो पहले भी एक मरतबा कोशिश की गई थी कि उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाए थे। रीज़न क्या था कि फिर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी थी। बट प्रॉब्लम लोगों को मुझे नहीं समझ में आती कि ये क्यों नहीं समझ आ रही कि भाई एक इंसान ने हमारी चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से सही नहीं करनी, क्योंकि उसमें वो अपना जो है वो इंटरेस्ट देख रहा। और एक पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो कितना भी आपको अच्छा लग रहा हो, एक इंसान कैसे सारे डिसीजन सही ले सकता है? ऐसा नहीं होता। चाहे वो कितना मर्जी अकलमंद है, मुझे लगता है कि उससे भी गलतियां होती हैं। तो एक इंसान को बिल्कुल ही ऐसे फरिश्ता समझ लेना, या पता नहीं जो एक मैं देखती हूँ लोगों में कि यू नो शुरू से जब हम लोग हिटलर के टाइम में भी हमने वीडियोज़ देखी हुई हैं, उसमें भी एक ही चीज़ जो है लोगों के माइंड में डाली गई कि एक इंसान आएगा जो तुम लोगों के लिए हाँ सब चीज़ें सही कर देगा। और एग्जैक्ट वही मेंटालिटी मैं यहाँ पर लोगों की देखती हूँ अभी भी, कि लोगों को यही लगता है खान साहब के बारे में। असल में चीज़ें जो है ना वो इस तरह बना देगी, क्योंकि अगर हम जब इलेक्शन की बात करें, ठीक है, जब इलेक्शन हुए थे तो एक चीज़ जो एक बहुत ही हाईलाइट हुई थी उस इलेक्शन में, रियासत मदीना की, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो लोगों को जो है ना सिर्फ उस चीज़ का एक, आप कह लें कि रियासत मदीना का जो एक नारा लगा दिया गया, उसके पीछे कर देखा जाए तो लोगों को अपने पीछे जो है खान साहब ने लगा लिया। अभी भी अगर पाकिस्तान में बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि भाई पाकिस्तान में रिलीजियस पार्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हमें जो है वो देखने को जो है मिलती हैं ये चीज़ें यहाँ पर, कि कोई भी छोटी मोटी बात हो जाए तो भाई जिस तरह बाहर आते हैं, जिस तरह जो है वो भी जो है तोड़ फोड़ करते हैं, तो वो भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन जो है फिर बात वहीं पर आ जाती है कि भाई जो है ना चीज़ों को कंट्रोल करना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस चीज को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अनलॉफुल चीजें करें, ठीक है ना। उससे बेहतर है कि भैया आप अपने कानून को, अपने मुल्क को, अपनी मैशियत को जो है इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि भाई चीजें जो है बहुत स्मूथ तरीके से चले। हम बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में जहां पर आप देखते हैं कि भाई वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में जैसे आप देखते हैं कि भैया इतना ज्यादा क्योस जो आपको देखने को मिलता है छोटी से छोटी चीजों पर भी आपको दूसरे कंट्रीज में देखने को नहीं मिलता। और मैंने पाकिस्तान में एक और चीज नोट किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस पार्टीज भी हैं, वो भी जब उनके पर्सनल एजेंडाज होते हैं या पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं तभी वो जो है सड़कों पर आते हैं। उसके अलावा मुल्क में जो मर्जी होता रहे, उन्होंने कभी जो है उस चीज को बॉदर ही नहीं किया। तो चीजें जो है यहां पर इस हिसाब से सेट की गई हुई हैं, लोगों को जो है इतना ज्यादा वो कर दिया गया है कि भाई हाँ ये आपके पास है, आपने जो है इसी को लेकर चलना है। और जो लोग जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं वो पूरी जिंदगी पाकिस्तान में कुछ कर ही नहीं पाते, इतना ज्यादा उन्हें जो है वो प्रेस कर दिया जाता है। मैंने कल की वीडियो में भी ये बात बोली थी कि इदारों को वाकई में अब चाहिए कि वो समझ जाएं, क्योंकि जो लोग जिस तरीके का उनका एक रिएक्शन देखने को मिला है, आई विश के ये जिस तरीके से लोग ट्रिगर हुए हैं अभी, वो कभी अपने इंटरेस्ट के लिए और कंट्री के इंटरेस्ट के लिए ट्रिगर हुए होते और पीसफुली ट्रिगर हुए होते, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी बात थी, बजाय इसके कि जिस तरीके से आपको एक ऐसी डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। और
पता है जब ऐसी चीजें होती हैं ना, तो फिर आपको दोनों साइडों पर, मैंने देखा है कि जो दोनों साइडों से चीजें की जा रही होती हैं, यानी कि पॉलिटिकल लेवल पर या अदारों की तरफ से, या जो जो लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो सिविलियंस होते हैं सबसे ज्यादा पिस्ते वही हैं। अब बीच में मैंने बहुत सारी ऐसे भी वीडियोस देखे थे जो काफी डिस्टर्बिंग थे, जहां पर औरतों के साथ काफी बुरा सलूक किया गया। मैं ये नहीं बोलती कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, या मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी कोई खुद की लिमिट नहीं होनी चाहिए, बट अगेन मैं ये जरूर कहूंगी कि एक तरीका होता है औरतों के साथ बात करने का, उनको ट्रीट करने का, और वो लेवल आपको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। फिर उसके साथ साथ जो हम लोगों ने देखा कि जैसे बिल्डिंग ज्यादातर जो है, हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट डे का वो आपने देखा कि मिलिट्री की जो प्रेमिसेस थी उनको ज्यादा अटैक किया गया। फिर सेकेंड और थर्ड डे में हम लोगों ने देखा, जैसे कि बीच में एम्बुलेंस की भी बात है, इनफैक्ट मैंने एक ईमेल पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि पता नहीं 40 जानवरों को भी आग लगा दी गई। यार मतलब मैं सोचती हूँ कि जुल्म है शदीद तरीन के, पता नहीं कहाँ से ये लोग इंसान है कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और बिल्कुल मुजम्मिल सर ने बिल्कुल सही बात की है कि जो जत्थे होते हैं ना, ये हमेशा जो ग्रुप्स में लोग बाहर निकलते हैं, ये लोग सिर्फ पता नहीं किस मेंटेलिटी के होते हैं, ये एंटरटेन होते हैं इस तरह की गलत हरकतें कर करके। इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं होता कि लोगों की बेटरमेंट के लिए हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एनीवे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, सीरियसली मुझे एक टाइम पर लगा करता था कि लोग जो है ना वो थोड़े बेहतर हो सकते हैं, बट अभी जो मैं सिचुएशन देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतने पागल हो चुके हुए हैं ना, कि लोग शायद ही इस सिचुएशन से बाहर अपने आप को निकालना चाहते हैं, कि वो एक पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा एक ऑब्सेशन हो गया है उनको कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते। और इवन कि अभी मैंने बहुत सारी वीडियो क्लिप्स ऐसी भी देखी कि जब खान साहब लाहौर में वापस आए तो लोग बकायदा आंसुओं से रो रहे हैं, एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या काम उन्होंने ऐसा किया है हमारी कंट्री के लिए कि जो आप उनके लिए इतने इमोशनल हो रहे हैं। आपको इमोशनल उस बंदे के लिए होना चाहिए जिसने आपके हक में कुछ किया है, आपके मुल्क के लिए कुछ किया है, आपकी जिंदगियां बेहतर की हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन कि उनके टाइम पर जो उनके मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसे भाई बयान दिए थे कि हमने बहुत सारे पाकिस्तानियों को बाहर की कंट्री में भेज दिया। तो इस तरह के स्टेटमेंट, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने मुल्क में अपने टाइम में कोई काम नहीं कर पाए। यार उसके साथ साथ जो है ना, पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनमें जो है एक यूनिटी होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर ये चीज़ भी देखते हैं कि भाई एक अदारा जो है वो कुछ और नोटिस दे रहा है, दूसरा अदारा जो है वही सेम चीज़ पर कुछ और नोटिस दे रहा है। तो पाकिस्तान में इस चीज़ की भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है ना कि देखो, इदारों को भी जो लोग हैंडल करते हैं ना, उनको चीज़ें बेसिकली करने की जरूरत है, क्योंकि अब लोगों के सामने जैसे खुलासा हो चुका है ना उनको, उनको ये चीज समझ जानी चाहिए कि अब ये 10-20 साल पुराने वाले लोग नहीं रहे, ये सोशल मीडिया का टाइम है और आप लोगों को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में अगर आज के टाइम की आप बात करो तो बिजनेस तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, किस तरीके से यहाँ पर कोई बिजनेस हो सकता है। जो लोग आईटी सेक्टर में है या जो लोग फ्रीलांसर है वो काम कर रहे हैं, और उसी की बेस पर कहीं ना कहीं पर आपका मुल्क जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये लोग जो हैं लाइक लोगों की बेहतरी के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना पाकिस्तान में, सीरियसली मुझे ये लगता है कि ये जो कहते हैं ना कि कोई ज्यादा करप्ट है और कोई कम करप्ट है, और कोई कम करप्ट है इस वजह से हम इनको चूज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। करप्शन करप्शन होती है, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, आपको ये एहतसाब करना आना चाहिए और पागल नहीं हो जाना चाहिए किसी एक इंसान के सामने या एक इंसान के लिए। एनीवे उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो हालात बेहतर हों। बट ऑनेस्टली बोलूं, मुझे लोगों की जो मैं बातें सुनती हूं और जहां तक मैं ऑब्जर्व करती हूं, मुझे अभी तक नहीं नजर आ रहा कि जो लोग हैं वो कुछ बेहतर डायरेक्शन में जाएंगे, या पाकिस्तान हमें कुछ बेहतर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक होप जरूर मुझे रहती है और वो हमेशा रहेगी, बट उसके साथ साथ लोग भी नजर आते हैं, उनकी बातें, उनकी मेंटेलिटी नजर आती है, क्योंकि यही सब लोग जो होते हैं वो फिर डायरेक्ट करते हैं कंट्री को कि हमारा जो एक डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए। दुआ मैं यही करती हूँ कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अच्छे हो जाएं, लोग जो हैं वो समझे चीज़ों को। इनफैक्ट जो लोग फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं, मैं उनको भी देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि उनकी समझ भी कहाँ पर है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि ये अब इससे हालात जो हैं वो नॉर्मल होंगे, या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तानी इदारे कुछ बेहतर समझ पाएंगे सिचुएशन को या नहीं समझ पाएंगे। ज़रूर दीजिएगा अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में, और इसके साथ मैं जाऊँगा चैनल। Subscribe, share, goodbye.